नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कैसे बारिश के कारण हुआ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त और बारिश को लेकर क्या है मौसम विभाग का अनुमान, कैसे संभल में बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा किसान की मौत से चुकाना पड़ा और कैसे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, जानेंगे इन तमाम खबरों के बारे में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि गोवा से है। दरअसल सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े कर्ज रिश्ता में तोड़फोड़ के मामले की कार्रवाई को गोवा सरकार ने कानून के मुताबिक सही ठहराया। गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया है। दरअसल अथॉरिटी ने नाइट क्लब को गिराने से रोकने की मांग कर रहे कॉलेज के मालिक याचिका का विरोध करते हुए अपने हलफनामे में कहा कि रिश्ता का निर्माण कार्य अवैध की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण नो कंस्ट्रक्शन नो डेवलपमेंट जोन में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल हलफनामे में अथॉरिटी ने कहा कि कॉलेज रेस्टोरेंट द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां चालित करने के लिए प्राधिकरण या प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई। यहां अस्थाई नहीं बल्कि स्थाई निर्माण किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण यूपी में बीते 24 घंटे में 22 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बारिश के बीच लखनऊ में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से मलबे में दबकर 9 लोगों की जान गई। लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। इसी बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण यूपी, बिहार, उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जो है वो जारी रहेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं में काफी जोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ केक काटकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया, साथ ही पीएम को यशस्वी और दीर्घायु की बधाई दी। चीतों के आगमन पर आगरा में वन विभाग कर्मियों ने स्कूली बच्चों को चीतों के प्रति जागरूक किया। देश में करीब 70 साल पहले लुप्त हुए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर फिर से कून्हू नेशनल पार्क में बसाया गया है, जिसके बाद देश में चीतों को लेकर काफी उत्सुकता है और इसको लेकर वन विभाग चीतों के बारे में लगातार स्कूली बच्चों को जानकारी भी दे रहा है। फरुखाबाद में देर रात बाइक से घर आ रहे मोटरसाइकिल मैकेनिक को अज्ञात हथियारों ने गोली मार दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी CO सिटी रविंद्रनाथ राय समेत पुलिस बल के साथ देर रात जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे। परिजनों ने घटना के संबंध में जानकारी ली, साथ ही परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलवाया है। देखिए, लगभग 40 वर्ष के विनोद राजपूत हैं। इनका शव इनके परिजन लेके लोहिया हॉस्पिटल आए और लोहिया हॉस्पिटल से ही सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस यहाँ आई है। इनको गोली लगी हुई है। हम सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इनको गोली लगी। ये यहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के उस्मान नगला के रहने वाले हैं और पैसे से मोटरसाइकिल मैकेनिक। सर, कोई विवाद वगैरह था? अभी तक इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। FIR दर्ज हो रही है, उसके बाद इस बात का पता। दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल छोटे भाई खेत से गिरे पुल को उठाने गया था, जिसके बाद वो करंट की चपेट में आ गया। इसी बीच बड़ा भाई उसे बचाने गया, वो भी करंट की चपेट में आ गया। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पुलिस लाइन में विभिन्न शस्त्रों और उपकरणों की पूजा की। साथ ही इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर और सहायक पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। जिले में लगातार हो रही 3 दिनों से बारिश एक तरफ जहां मुसीबत बनी हुई है, वहीं श्रावस्ती के लाजपत नगर मोहल्ला का आबादी के बीच खड़ा जर्जर मकान हादसे को दावत दे रहा है, जहां सालों से एक जर्जर भवन खड़ा है जो कभी भी ढह सकता है। मोहल्लेवासियों ने जर्जर भवन को ढहाने के लिए नगर पंचायत में कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन दिनों हो रही बारिश में जर्जर मकान का कुछ हिस्सा गिरा तो आसपास के लोग सहम गए। जर्जर मकान के आसपास रह रहे लोग अनहोनी की आशंका को लेकर भयभीत दिखाई दे रहे हैं।
श्रावस्ती के भीनगापुर लाइन में देव शिल्पी विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। श्रावस्ती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया, जिसको लेकर युवा कांग्रेसियों ने भिंगा नगर में पैदल मार्च किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ईदगाह तिराहे पर पकौड़े तले, जिसमें युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला शामिल रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। पीएम के बर्थडे के मौके पर शहर में कहीं केक काटा गया तो कहीं पर रक्तदान किया गया। शहर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी, तो वहीं अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बलरामपुर उसके आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नेपाल की तराई होने के कारण यहां पर दर्जनों नाले बहते हैं, जो बाढ़ और क्षेत्र की समस्या बनाए रहते हैं। वहीं इस कारण से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा भी नजर आ रहा है। ग्रामीण बाढ़ की आशंका से दहशत में है। वहीं दूसरी तरफ इस बारिश के कारण किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा भी होता दिख रहा है। 3 दिनों की बारिश के कारण नगरीय विकास की पोल भी खुलती नजर आ रही है। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण जिले के सभी नगरीय इलाकों और कस्बों में जलभराव की समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा है कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर माह में भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर महीने तक विज्ञप्ति भर्ती परीक्षा शुरू होना और दिसंबर महीने तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा, और जब राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। ऐसे में अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार पाए जाते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे, दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का आप धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। चमोली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई, जिसमें तापमान में भारी गिरावट आई है। बद्रीनाथ के साथ हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जिला प्रशासन की ओर से भी बारिश के अलर्ट को देखते हुए समय समय पर लोगों से अपील की जा रही है और सभी थाना और तहसीलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। नैनीताल के आसपास देर रात से अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे 3 राजमार्ग, 1 प्रमुख मार्ग समेत 16 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए, जिसको खुलवाने के लिए अथक प्रयास किए गए। इधर लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नैनीताल के अल्धवानी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। समर में टूटी पड़ी हाईटेंशन लाइन जानलेवा साबित हुई। लाइन के करंट की चपेट में आकर एक किसान और एक भैंस की मौत हो गई है। घटना थाना क्षेत्र में पुसावली चिंगरिया लिंक रोड की है, जहां एक किसान भैंस को बाजार लेकर जा रहा था। अचानक भैंस बितके और टूट पड़ी बिजली लाइन की चपेट में किसान और भैंस दोनों आ गए, दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्क इंडिया के साथ।